हेलो। हाँ भैया, बबलू जी के घर से बात कर रहा हूँ। नौकर नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ। भुवन बेटा, पानी की बोतलें भर के छत से कपड़े उतार के ले आ। हाँ, नौकर ही हूँ उनका मैं एक तरह से। अच्छा सुनो, हमारे घर का हीटर खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करवाना है। आपका कौन सा एग्जीक्यूटिव है भाई? आप तो गले पे बैठते हो, आपकी ये साइकिल वाले के बगल वाली दुकान है। अच्छा बात कराओ एग्जीक्यूटिव। हेलो भैया। हाँ भैया नहीं सर, हेलो सर, मेरे घर का हीटर खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करवाना है। नहीं, रिपेयर नहीं करवाना। पिछले हफ्ते आपका बंदा आया था, हीटर के ग्रिल पे पापड़ सेक के चला गया। अरे 600 रुपए की चीज को क्या रिपेयर करोगे आप? आप रिप्लेस करवा के दो वारंटी पीरियड में। मेरी बात करा, आप मेरे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। हेलो, तुम्हें पता है कितनी दिक्कत हो रही है बेंच? सोचा था पहले हीटर से हाथ गर्म करेंगे, अब वो चल नहीं रहा तो सारे पैंट में हाथ डाल के बैठे हम। क्यों, वो कहावत नहीं सुनी, झांटे सो लगना? अब उसी से हाथ गर्म कर रहे हैं। डैडी को दे। आप हमारे से एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। आपकी दुकान पे मेरे दो बंदे आएंगे, हाँ उनको यही बात बता देना। उफ़े क्या होगा, उफ़े तेरे हुतर लाल हो जाएंगे, मार मार के इतना लाल कर देंगे, बंदर की गांड और तेरी गांड जुड़वा भाई लगेगी। फिर बैठ नहीं पाएगा तो क्या करवाएगा? रिप्लेस। अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जा। मैं कौन? पीठ पे ना मुक्का मारू ना नापू मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दू नाम है मेरा। हेलो 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 भैया, एक तो ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत है बहनचो, पीछे स्कूटी पे लड़की नहीं बिठा सकते। क्यों? पबजी के वेटिंग एरिया की तरह सारे डेटर साथ में रहते हैं। लेट्स गो। तो शैम्पू कर। क्या करना यूज करके, दोपहर की धूप में नीचे काला कपड़ा रख के ततड़ ततड़ करके मनाली की स्नोफॉल देखने का मजा है वो कहीं नहीं है। तू पागल है? तो फिर क्या करूं? एक तो इतनी ठंड में पहले नहाने का मन बनाओ, फिर गीजर ऑन करो, फिर शैम्पू करो, फिर कंडीशनर करो। अब इतने सैक्रिफाइस के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाता तो मैंने तो छोड़ दिया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। तो बेटा एक काम कर, अंडा लगा ले बालों में। छी, पिछला ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था, वो वीगन थी और डेट पे मेरे बालों में से अंडे की स्मेल आ रही थी। आई हेट एग्स। लेकिन कुछ भी कहो, वो इंस्टाग्राम पे अंडे ने काइली बहन जी को हरा दिया। नहीं आप कैसे जानते हो काइली के बारे में? लगता है मैं गैस पे अंडे रख के भूल गया। पापा और बर्थडे के क्या प्लान? तुझे याद है मेरा बर्थडे? और क्या बहन, कब आता है? इसी साल। वाह, कोई रेवोल्यूशन। मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तूने अपने बर्थडे पे क्या रेजोल्यूशन लिया था? खुदाई बहुत कम करनी है। खा मेरी कसम, मर जाएगा रे तू। बताना क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर पे रहूंगा फैमिली के साथ। पार्टी? क्या पार्टी करनी है यार, बड़े हो गए सब। दूसरों से बर्थडे ट्रीट लेके अपनी बारी में मैच्योरिटी की बातें चोदने वाला तुम्हें सलाम है। मैंने कब पार्टी की? पिछले हफ्ते शंकर की पार्टी में बीयर पी के कौन झूम रहा था बेंच? धीरे बोल ले, पापा घर में है। पार्टी घर में नहीं होगी, बाहर होगी। और बेटा ये ना नीचे वाली किराएदार लग रहा है थोड़ी टेंशन में है। क्या हुआ? कल रात को वो अपने बच्चे से कुछ मांग रही थी, वो दे ही नहीं रहा था। बच्चा? उसका तो कोई बच्चा नहीं है। फिर बार बार गिव इट टू मी बेबी क्यों चिल्ला रही थी। Oh yeah! अंकल कौन रहता है नीचे? है, दो तीन लड़कियां रहती है साथ में। अब तो पार्टी इसी घर में होगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं अंकल। हम तो ऊटी जाने का सोच रहे थे। Why ऊटी when nearby बूटी? बूटी? बाबा जी की बूटी। अंकल पार्टी में आसपास के लोग बुला लेते हैं। जैसे? जैसे नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले और नीचे वाले। भूगोल खराब है इसका। एक काम करते हैं, ऊपर ही छत पे कर लेते छोटी सी पार्टी, और वो भी लगा लेंगे वो छोटा शमशान। बॉनफायर? हाँ। तो सबसे पहले किसका इंतजाम करें? लड़कियाँ। लकड़ियाँ बॉनफायर के लिए? ठंड बहुत हो गई है नी, आजकल दो रजाई चाहिए। या फिर रजाई में दो। क्या? पापा आप अपने टाइम में ठंड में क्या करते थे? यार मैं तो पहाड़ चढ़ने जाता था। इतने वेले थे? ना, एक दोस्त के साथ। वहाँ हम जाके ये आग लगा के घंटों तक बातें करते थे और आसमान में देखते थे, ऊपर से पूरा शहर दिखता था। और कभी कभी तो हम बारबेक्यू भी करते थे। बारबेक्यू? तुम बच्चे को लगता है ठंड पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सुकड़ा नुनू। मतलब ठंड में नहाते टाइम ऐसी हालत हो जाती है, पता नहीं टाइटैनिक में जैक का क्या हाल हुआ होगा। क्या बोल रहा है ये अंकल? एक तो पहले से अंगूर, ऊपर से ठंडे पानी में नहा के किशमिश। किशमिश? आप बताओ ना, आपको कुछ काम था? हाँ, जोरदार बेटा। वो वर्मा साहब का आज बर्थडे है तो उनको बर्थडे की बधाई के लिए कुछ मैसेज लिख दे। अच्छा सुन, तेरा बर्थडे आ रहा है, हर साल मम्मी और मैं तुझे अपनी पसंद का गिफ्ट देते हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि तू हमें हमारी पसंद का गिफ्ट दे। एक सेकेंड, मैं अपने बर्थडे पे आपको गिफ्ट दू? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तू हमारा नाम ऊंचा कर दे बस। यार नाम ऊंचा करने से क्या होगा, आपका नाम बबलू से बबलू हो जाएगा क्या? हाँ तू मजाक मत कर, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया सी नौकरी करो और फिर हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। अच्छा शादी भी आपकी पसंद से? और क्या, अरेंज मैरिज बेस्ट है। क्यों? सुहागरात में शर्माने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तू चुपचाप मैसेज लिख और तू बहस मत कर। अंकल ये लो। लिख दिया? वाह, धोनी की स्टंपिंग से भी तेज है। इधर देख ले भूतनी के। डियर मिस्टर वर्मा। अच्छी इंग्लिश है।
आई एम ग्लैड यू वर बॉर्न टूडे एज आई हैव फाउंड अ गुड फ्रेंड इन यू. योर प्रेजेंस इज ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस. Although I have rashes on my pubes, but they still look like jamun. Jamun! Hindi! Apple was founded by Steve Jobs, but life is dull without blowjobs. Doggy style is now difficult because ghutna goes kadkad. Telling you this because you love missionary. Baad mein batana kari ki nahi kari. Happy birthday! Wah! हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अच्छा मिश्रण है शब्दों का. और कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कभी सुने भी नहीं. ये ब्लोजॉब क्या होता है? पापा वो कल हम लोगों का पहली बार चालान हुआ था तो वो पुलिस वालों ने हमसे वो फूंक मारने को कहा था. वो जो ड्रिंक एंड ड्राइव में होता है ना, तो वो ब्लो जॉब. अच्छा, पर इसका इससे क्या लेना देना? हाँ वही तो, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा इसने. यार आज के जमाने में वो क्या बोल रही कितना जरूरी है. वो क्या बोल रही? वोकैबुलरी. ओहो हेलो वर्मा साहब, जन्मदिन की पांड्या शुभकामनाएं. अरे मैं आप ही को मैसेज कर रहा था अभी. हाँ वो बच्चे लिखने में मदद कर रहे थे. यार बच्चों को ही सब पता है, हमें क्या पता मोबाइल के बारे में. अरे बेचारे कल इनका चालान हो गया तो पुलिस को ब्लो जॉब देके आए हैं. हाँ कितने थे बेटा? तीन 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 को देके आए हैं. अलग 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 अलग. मुंह दुख गया होगा बिचारों का. ऊपर ऊपर से या हलक तक? अरे फूक तो ऊपर से ही मारेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब बच्चे स्ट्रेट है या नहीं?